हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 एक्सरसाइज 7.2 फ्रैक्शन पेज नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 3। वन और टू नंबर क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया था और आई होप सो आपको वो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें ताकि मैं आपको फिर से एक बार दोबारा वो चीज रिपीट करा के समझा सकूं, ठीक है, जिससे आप समझ सको और कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। सो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन का, हमने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, हमने चार पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। अब हम ई पार्ट और एफ पार्ट करेंगे और आई होप सो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो रहा होगा और आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो थर्ड नंबर बस ई पार्ट देखिए क्या है, 9 3/7 ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 9 3/7, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, होल इंटू डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर देन अपन में जाएगा डेनोमिनेटर, मैंने बटे में जाएगा। तो चलिए हम वही चीज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम क्या करेंगे, होल हमारा 9 इंटू डेनोमिनेटर हमारा 7 है और प्लस हमारा नम्बरेटर 3 है, हम यहाँ पे 3 करेंगे, बटे में हमारा डेनोमिनेटर जाएगा 7। क्लियर हो गया, हमने बिल्कुल इसी चीज को यहाँ पे बिल्कुल कर दिया, सेम इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूले के बेस पे। अब हमको करना है क्या, इनको तोड़ना है, 9 7 = 63 प्लस 3 बटे 7 बटे 7 यानी कि अपॉन 7, 63 प्लस 3 अपॉन 7। तो अब हम 63 प्लस 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 66 अपॉन 7 आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर होगा। अब इसे देखिए क्लियर करते हैं, ये देखिए 66 को तोड़ के देख लीजिए, सेम ये चीज अगर आ गया आपका सवाल सही है, 7 7 9 = 63 3 हो गया ना, 9 3 7, क्लियर हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट सम हमारा, थ्री नंबर क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये एफ पार्ट बस एक ही सम बच गया, हमने 6 पार्ट क्लियर कर लिया। सी एफ नंबर सम देखिए 8 4/9, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे एफ नंबर सम 8 4/9, क्लियर हो गया। फिर से हम फॉर्मूला को पुट करेंगे, 8 होल होगा, 9 डिनोमिनेटर प्लस नमरेटर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 9 चला जाएगा, इक्वल टू 8 9 = 72 होता है, प्लस 4/9। उसके बाद हमें क्या करना है, 72 + 4 करेंगे तो हमारा आएगा 76/9, यानी 76/9 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 9 से हम 76 को करके देखते हैं, 9 के टेबल में 8 टाइम में हमारा 72 आता है, 9 8 तो 72, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो 9 8 72, माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा, देख सकते हो आप 8 4/9। सो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। और इसके साथ साथ हमारा थर्ड नंबर ये क्वेश्चन ऑल कंप्लीटेड हो चुका है और ये पूरा हमने कर लिया। आई होप सो आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा सवाल में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, कोई भी डाउट हो क्लियर करें, इसके लिए मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगी जो भी डाउट्स होंगे। चलिए हमें बारी बारी से सबके आंसर्स लिखते हैं। इसका आंसर है आपका ए पार्ट का 31/4, बी पार्ट का आंसर होगा आपका 41/7, सी पार्ट का आंसर होगा 17/6, डी पार्ट का आंसर होगा 53/3, ई पार्ट का आंसर होगा 66/7 जो कि आपके सामने है, और इसका होगा 76/9 जो कि आपके सामने है। क्लियर हो गया हमारा, दो हमने 6 पार्ट पूरे क्लियर कर लिए, सबके आंसर ये हैं। और अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।